गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग फ्लैट चिजलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। फ्लैट सरफेस पे हम लोग शिपिंग ऑपरेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? शिपिंग ऑफ फ्लैट सरफेस। शिपिंग ऑफ फ्लैट सरफेस। शिपिंग ऑफ फ्लैट सरफेस। शिपिंग ऑफ फ्लैट सरफेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग शिपिंग ऑपरेशन को किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि शिपिंग ऑपरेशन जब हम लोग को फ्लैट सरफेस के ऊपर ग्लू काटना हो, नालियां काटना हो या फिर स्ट्रेट ग्रूविंग कटिंग करना हो तो किस प्रकार से हम लोग कार्य करें कि आसानी से हमारा वो ग्रूव कट जाए, फ्लैट सरफेस के ऊपर चिपिंग ऑपरेशन हो जाए। किस किस प्रकार से चिपिंग ऑपरेशन हम लोग फ्लैट सरफेस के ऊपर करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फ्लैट सरफेस हम लोग जनरली किसको बोल सकते हैं? फ्लैट सरफेस को ये ब्लॉक हो गया जिसका सरफेस क्या होता है, फ्लैट होता है, उसी को हम लोग फ्लैट सरफेस बोलते हैं। जैसे ये उभरा हुआ भाग हो गया हमारा, ये क्या कहलाता है हमारा? फ्लैट सरफेस कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ये हमारा क्या कहलाता है? फ्लैट सरफेस कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग फ्लैट सरफेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए होते हैं। जैसे देखो, जितनी गहराई तक इसमें सरफेस में चिपिंग करना है, जितना गहराई तक करना है, इतना करना है, इतना करना है, जितना गहराई तक हमको क्या करना है, चिपिंग ऑपरेशन करना है, उस पर पहले हम लोग मार्किंग करेंगे। क्या करेंगे? मार्किंग करेंगे। उसके मार्किंग करने के बाद जॉब को हम लोग क्या करेंगे, तो बेंच वाइस में बांध देंगे। क्या करेंगे? मार्किंग करने के बाद जैसे हमको ये लाइन में चिपिंग ऑपरेशन करना है, ये लाइन में हमको चिपिंग ऑपरेशन करना है। इसको चिपिंग करने के लिए पहले मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इसको हम लोग बेंच वाइज में बांध देंगे, क्योंकि चिपिंग करेंगे जिधर से भी करेंगे इसमें जोर पड़ेगा। जैसे इधर से हम मारेंगे तो क्या होगा, पूरा इधर खिसक जाएगा, स्लिप करेगा, जगह से हिलेगा, तो वो हिले ना, उसके लिए क्या करें, पकड़ने के लिए इसको बेस देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमको बेस देना पड़ेगा। बेस देने के लिए इसको हम लोग बेंच वाइज में बांध लेंगे या फिर कोई भी होल्डिंग डिवाइस में इसको मजबूती से पकड़ेंगे, जिससे ये नीचे बेस देता हुआ क्या हो, हमारा फिक्स हो जाए। ठीक है, जब हमारा ये बेस बेंच वाइस में बांध दिया जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, सामने और पीछे की ओर, इसके सामने, जैसे हमको यहाँ पे ग्रुप काटना था ना, यहाँ पे हमको ग्रुप काटना था, तो इसका सामने और पीछे ये क्या करेंगे, हम सिरा को चैम्फर कर देंगे। कैसे कर देंगे? ये चैम्फर, ये हमारा चैम्फर कर देंगे। चैम्फर करने से क्या होगा, हमको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। चैम्फर करने से हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। कोना में से डायरेक्ट कटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो हमको थोड़ा सा दिक्कत होगा। वही जब हम लोग इसका कोना को कटिंग कर देंगे, कोना को जब हम लोग कटिंग कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट मिलने के कारण हम लोग क्या करेंगे, आसानी से इसका कार्य को हम लोग कर सकते हैं। हम लोग क्या किए इसमें, कुछ नहीं किए हैं, पहले दोनों साइड को, आगे इसके सिरा पीछे सिरा को सिर्फ हम लोग चैम्फर किए। ठीक है, ये हमारा मार्किंग हो गया, ये चैम्फर था हमारा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कटिंग ऑपरेशन को करेंगे, आगे की ओर और पीछे की ओर दोनों के सिरा को हम लोग क्या किए हैं, पहले चैम्फर कर दिए। ठीक है, चैम्फर करने के बाद कितना डिग्री के एंगल में आपको इसको चैम्फर करना है, 45 डिग्री के एंगल। कोई भी चैम्फर एंगल हमारा कितना होता है, 45 डिग्री का होता है। तो 45 डिग्री के एंगल में पहले हमको इसको चैम्फर करना है, दोनों साइड को हम लोग चैम्फर कर लेंगे। चैम्फर करने के बाद उसके बाद क्या होगा, क्रॉस कट चीजर का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस कट, क्रॉस कट चीजल का हम लोग प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, इसमें कटिंग को स्टार्ट करेंगे। क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करके समानांतर ग्रुप कर दिया जाएगा। क्या करेंगे, जो भी ये ग्रुप था इसको हम लोग कटिंग करते हुए, ये ग्रुप हमारा क्या होगा, इस प्रकार से ग्रुप काट दिया जाएगा। ठीक, ये हमारा देखो ग्रुप हमारा क्या हुआ, ये ग्रुप हमारा क्या था, कट गया। अभी तक कटा हुआ नहीं था, अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा ग्रुप जो कटिंग करना था वो हमारा ग्रुप यहाँ पे क्या हुआ है,
गुरु हमारा कटिंग हो गया, क्या हुआ है, गुरु हमारा कटिंग हो गया है, ठीक है। हमारा ये ग्रुप जो था, हमारा ग्रुप ये हमारा क्या हुआ, ग्रुप इसमें कट गया। ग्रुप कटने के बाद हम क्या करेंगे, फ्लैट सीजर का प्रयोग करके उभरे हुए भाग को हम लोग क्या करेंगे, प्लेट पे हटा देंगे। प्लेट क्रॉस कट सीजर से कटिंग करते हुए मतलब ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि इसका सरफेस को हटाना है। ग्रुप बनाते हुए एक लाइन बाय में हम लोग क्या किए, ग्रुप करके हटा दिए। अब एक परत हम लोग क्रॉस कट सीजर का प्रयोग करते हुए हटा दिए, एक को किसका प्रयोग करते हुए, क्रॉस कट क्रॉसकट चीजल का प्रयोग करते हुए सारे ग्रुप को हम लोग हटा दिए। क्या किया, सारे ग्रुप को हम लोग क्रॉसकट चीजल का प्रयोग करते हुए हटा दिए। अब हमारा क्या बच जाता है, ये हमारा बच गया, ये बीच वाला बच गया, ये बीच वाला बच गया, ये बीच वाला बच गया, ये बच गया। ये सब को हम लोग क्या करेंगे, फिर से फ्लैट सीजर का प्रयोग करके हम लोग इसके उभरे हुए भाग को भी कट कर देंगे। तो उभरा हुआ भाग में हमारा कटिंग होके क्या होगा, हट जाएगा, और जो भी ऑपरेशन हमको करना था वो सारा ऑपरेशन हमारा क्या होगा, आसानी से हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चिपिंग ऑफ फ्लैट सरफेस। इसमें क्या हो रहा है, फ्लैट सरफेस पे ही चिपिंग करके हमको फिर से फ्लैट सरफेस तैयार करना था। तो फ्लैट सरफेस तैयार करने के बाद उसमें मार्किंग मीडिया लगाएंगे, मार्किंग करेंगे, मार्किंग करने के बाद इसको कोई भी होल्डिंग डिवाइस में अच्छा से बेस देंगे। उसके बाद क्रॉसकट सीजर का प्रयोग करते हुए पहले ग्रुप तैयार करेंगे, पहले ग्रुप तैयार करेंगे, एक गड्ढा एक ऊंचा, एक गड्ढा एक ऊंचा, मेरा तैयार हो गया। अब गड्ढे वाले भाग में मेरा मार्किंग किया हुआ था, तब हम लोग क्या करेंगे, ऊंचे वाले पार्ट को फ्लैट सीजर का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, कटिंग कर देंगे। फ्लैट सीजर से जैसे ऊपरी वाले सिरे को हम लोग उभरे हुए भाग को चिपिंग कर देंगे तो हमारा क्या होगा, फ्लैट सरफेस बन जाएगा। क्या होगा, हमारा फ्लैट सरफेस बन जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चिपिंग ऑफ फ्लैट सरफेस, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, इसी में ही हम लोग क्या, कटिंग ऑफ स्टेट ग्रुप्स। अब हम लोग इसमें सीखेंगे कटिंग ऑफ स्टेट ग्रुप्स क्या होता है, कटिंग ऑफ स्टेट ग्रुप्स, कटिंग ऑफ स्टेट ग्रुप, ये हमारा क्या होता है, कटिंग ऑफ स्टेट ग्रुप। तो कटिंग ऑफ स्टेट ग्रुप से ही पता चल रहा होगा, ये जो ग्रुप काटे हैं वो हमारा स्टेट कटिंग करने की प्रक्रिया को हम लोग स्टेट कटिंग ग्रुप कहते हैं। तो हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, इसमें क्या होता है, काटे जाने वाले ग्रुप को पहले क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे, मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे, जॉब को हम लोग बेंच वाइज में बांधेंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद क्या करेंगे, क्रॉसकट चीजल को क्या करेंगे, निश्चित आकार में ग्राइंड कर लिया जाएगा, जैसा मटेरियल होगा उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रॉसकट चीजल को ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद उस पर क्रॉसकट चीजल का प्रयोग करके क्या करेंगे, हम लोग जॉब पर ग्रुप काट लेंगे। यानी कि पहले जो हमने ये चीज बताया था, ये करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कटिंग स्ट्रेट लाइन। इसीलिए सब चीज को हमने पहले ही बता दिया है यहाँ पे। हम लोग अब क्या करना, आगे भी और देखते हैं, स्टेट ग्रुप कटिंग हमारा क्या कहलाता है, क्रॉस कट सीजर के द्वारा सरफेस फ्लैट सरफेस पर स्टेट ग्रुप कटिंग करने की प्रक्रिया को ही स्टेट कटिंग लाइन बोलते हैं। स्टेट स्टेट कटिंग स्टेट ग्रुप हम लोग बोलते हैं। स्टेट कटिंग स्टेट ग्रुप किसको बोलते हैं, क्रॉस कट सीजर का प्रयोग करते हुए फ्लैट सरफेस के ऊपर स्टेट कटिंग करने की प्रक्रिया, स्टेट ग्रुप कटिंग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कटिंग स्टेट ग्रुप। अब हमारा दूसरा देखते हैं, कटिंग ऑफ कर्व ग्रुप क्या होता है, कटिंग ऑफ कर्व ग्रुप, कटिंग ऑफ कर्व ग्रुप, कटिंग ऑफ कर्व ग्रुप हमारा क्या है। तो कटिंग ऑफ कर्व ग्रुप हमारा क्या, इसमें काटने वाला ग्रुप क्या होता है, पहले मार्किंग करते हैं, मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे, सेम प्रोसेस उसको भी बेंच वाइज में बांधेंगे, होल्डिंग करेंगे, होल्डिंग करने के बाद इसमें क्या करना, सिर्फ चीजल चेंज करेंगे, क्या करेंगे, इसमें राउंड नोज चीजल का प्रयोग करते हुए ग्रुप को काटेंगे। इसमें किसका, कौन सा चीजल का प्रयोग करेंगे, राउंड नोज चीजल,
ग्राउंड अब्सॉर्ब सीजर का प्रयोग करते हैं हम लोग क्या करते हैं इसमें ग्रोथ को कटिंग करने, इसमें किस प्रकार से ग्रोथ कटता है, जैसे हमारा यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सरफेस फ्लैट सरफेस है, इसमें क्या हो रहा है कटिंग कर्व से, कर्व शेप में कोई भी शेप में आपको कटिंग करना है, ऐसे कटिंग करना है, इसको क्या करेंगे हम लोग क्रॉस कट सीजर की सहायता से नहीं कटिंग करेंगे, उसमें क्या हो रहा है कर्व में नहीं कटेगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे राउंड नॉब सीजर का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा कर्व में कटिंग हो जाएगा, जो भी स्पर्श करना है कुछ करना है तेल नालियां वगैरह काटना है, तो उसमें हम लोग इस पर जाके राउंड नॉब सीजर का प्रयोग करते हुए हम लोग कर्व ग्रूव कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था कर्व ग्रूव की कटिंग करना। अब हम लोग देखते हैं चिपिंग विथ ए न्यूमेटिक हैमर, चिपिंग करने के लिए हम लोग न्यूमेटिक हैमर का प्रयोग करते हैं, न्यूमेटिक हैमर के द्वारा चिपिंग करना। न्यूमेटिक हैमर क्या हो जाता है, हाइड्रोलिक पढ़ा होगा और न्यूमेटिक, ये दो चीज होता है। तो देखो हाइड्रोलिक हमारा किसके द्वारा संचालित होता है, तेल के द्वारा चलता है, हाइड्रोलिक में जैसे हाइड्रोलिक ऑयल सुना होगा, न्यूमेटिक ऑयल सुना है नहीं, तो न्यूमेटिक जो हमारा चलता है वो हवा के द्वारा चलता है और हाइड्रोलिक हमारा क्या होता है तेल के द्वारा चलता है। हाइड्रोलिक की अपेक्षा न्यूमेटिक प्रोसेस जो होता है हमारा ज्यादा ताकतवर और ज्यादा शक्तिशाली होता है, जहाँ पे भारी लोड हैवी वर्क उठाने की जरूरत पड़ती है वहां पे न्यूमेटिक का ही प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक का जनरली हल्के भारी कार्य में यूज होता है, लेकिन हाइड्रोलिक की तुलना में ज्यादा प्रेशर में जब जरूरत होती है तो क्या होता है न्यूमेटिक का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे चापाकल बोरिंग वगैरह किया जाता है, किस प्रोसेस से वहां पे कोई मशीन को नहीं होता, मशीन बहुत दूर में होता है, पाइप के द्वारा एयर को एक प्रेशर में लिया लेके जाता है, वो न्यूमेटिक प्रेशर के द्वारा वो बोरिंग करता है, न्यूमेटिक प्रेशर के ही द्वारा वो हमारा वो बोरिंग करता है। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े उपकरण वगैरह है जो न्यूमेटिक प्रोसेस से ही हमारा संचालित है। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे न्यूमेटिक प्रोसेस के द्वारा हैमर को कैसे संचालित करते हैं, क्या करते हैं चिपिंग विथ ए न्यूमेटिक हैमर। हमें पहले क्या होता है न्यूमेटिक हैमर की बनावट और उसके ऑपरेशन के सिद्धांत के बारे में हम लोग को जानना चाहिए। जैसे बैरल में चीजल को क्या होता है, बैरल में इसमें चीजल को कसकर फिट कर दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है हैमर को क्या करते हैं लुब्रिकेशन की जाती है, हैमर को क्या किया जाता है पहले लुब्रिकेशन की जाती है, उसके बाद दाएं हाथ से हैमर के हैंडल में को पकड़ा जाता है, दाएं हाथ से क्या होता है हैमर के हैंडल को पकड़ा जाता है और बाएं हाथ से बैरल पर रखकर हैमर को लगातार चिपिंग शुरू की जाती है, क्या होता है हमारा लगातार चिपिंग शुरू की जाती है। जैसे इसमें हमारा क्या होता है चीजल हमारा हो गया ना, चीजल के पास ही इसमें सब न्यूमेटिक के द्वारा चलता है, यहीं पे हैंडल प्रोसेस ये सब प्रोसेस में ही होता है, इसको हैंडल को हम लोग क्या करते हैं राइट हैंड से पकड़ लेते हैं। जैसे इसका जितना ज्यादा तुम लोग भी इसका देखा हो, आज के टाइम में क्या हो रहा है गली गली में एक गैस पाइप या फिर बाथरूम वाला पाइप कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है प्रत्येक घर के पास या फिर पानी वाला सप्लाई कनेक्शन के लिए जो पीसीसी बन चुका है उसको तोड़ने के लिए एक मशीन का यूज करता है, उसको देखता वही वो हमारा क्या है चिपिंग के न्यूमेटिक हैमर, वो उसका प्रोसेस क्या हो रहा है न्यूमेटिक प्रोसेस से ही वो हैमर करता है, वो भी उसमें जो रॉड लगा होता है वो चीजा की ही तरह कार्य करता है, वो भी देखना क्या होगा राइट हैंड से ऐसे पकड़ेगा पीसीसी के ऊपर रख देगा छत वगैरह को जहाँ तोड़ना होता है ऐसे रख देगा, उसके बाद ऑन करेगा स्विच तो पूरा वाइब्रेट करता है, वो हाथ उतना नहीं हिलता लेकिन वो जो चीजल उसमें लगा होता है चीजल पूरा ढक 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 करता है, क्या होता है आसानी से उसको तोड़ देता है, क्या होता है उसके ऊपर बार बार हैमर का चोट पड़ता है, हाँ उसके अंदर एयर के द्वारा एयर आता है छोड़ता है आता है छोड़ता है एयर प्रेशर के साथ इसमें स्टॉक मारता है, वही प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूमेटिक हैमर। इसमें राइट हैंड से पकड़ते हैं लेफ्ट हैंड से बैरल में ये हमारा क्या होता है बैरल में लगा हुआ चीज हैमर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं बार बार हैमरिंग करके वो चिपिंग ऑपरेशन को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये न्यूमेटिक हैमर क्या, इसके बारे में नहीं पूछा जाता लेकिन थोड़ा सा जानकारी रख लेना चाहिए, इसलिए इसको इसके बारे में भी बता दें। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में।